How are you, learners? I hope so you all will be all right. So, firstly, we see this picture. You can see in this picture nature, flowers, butterflies, sun, moon, etc. So, you can name some flowers do you like most? I think you like rose, lotus, marigold, etc. Why do we love flowers? Do you know? Because of beauty. What can you say about it? About beauty, quality that gives pleasure to mind. ब्यूटी क्या है? ब्यूटी एक विशेषता है जो हमारे दिमाग को खुश करती है. कुछ चीज़ों को देख के हमें बहुत खुशी मिलती है. वो सब क्या है? ब्यूटी है, सुंदरता है. दिस पोयम इज रिटन बाय ई ए श्योर. सो लेट्स वी स्टार्ट पोयम द ब्यूटी. वट इज ब्यूटी? सुंदरता क्या है? फर्स्टली यू कैन सी दिस पिक्चर्स. सो लेट्स वी डिस्क्राइब अबाउट ब्यूटी. ट्राई टू डिस्क्राइब वट ब्यूटी इज और लिस्ट some of the things or person you think are beautiful. ट्राई होता है कोशिश करना. हम ब्यूटी के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में वर्णन करने की कोशिश करते हैं. और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और कुछ चीज़ों की सूची बनाते हैं और पर्संस व्यक्तियों की यू थिंक आर ब्यूटीफुल, जिन्हें तुम सोचते हो कि वो बहुत सुंदर हैं. नाउ लेट्स रीड ए पोयम ऑन ब्यूटी. आओ हम ब्यूटी पे एक कविता पढ़ते हैं. ब्यूटी इज सीन, सुंदरता को सुंदरता दिखती है इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी में. द ट्रीज, द बर्ड्स, पेड़ों में, पक्षियों में, क्रोन गोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट. कौन क्या होता है? भुट्टे. जो अभी आप इस पिक्चर देख सकते हैं कि भुट्टे उगे हुए हैं एंड पीपल वर्किंग और लोग काम करते हैं और डांसिंग और नाचते हैं. फॉर देयर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट होता है फसल का पकना, जब उनकी फसल जाती है. आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि फसल पकने के बाद लोग खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं. फसल पकने के बाद हमारा एक त्योहार आता है बैसाखी. बैसाखी लोग के पक जाने की खुशी में ही मनाते हैं, क्योंकि मेहनत करके, काम करके उन्हें बहुत खुशी मिली है. नाउ वी रीड सेकंड पैराग्राफ. फर्स्टली यू कैन सी दिस पिक्चर्स. ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट. ब्यूटी को हम सुन भी सकते हैं इन द नाइट, रात में. विंड शाइंग, रेन फॉलिंग. हवा जब लंबी सांस लेती है, गहरी सांस लेती है. किस तरह? जब तेज हवा चलती है तो हमें हवा के चलने की आवाज़ आती है. रेन फॉलिंग, जब बारिश आती है तो बारिश की बूंदों को गिरने की आवाज़
आवाज आती है टिप टिप, और सिंगर चैंटिंग, और जब गायक कुछ गाता है या कुछ जप करता है, चैंटिंग होता है किसी चीज का जप करना, एनीथिंग इन अर्नेस्ट, एनीथिंग, हर एक चीज में, किसी भी चीज में इन अर्नेस्ट, जो भी हम कमाते हैं वहाँ क्या कमाते हैं, सुंदरता को, हमें हर जगह सुंदरता दिखाई देती है, सुन सकते हैं सुंदरता को। लेट्स रीड थर्ड पैराग्राफ। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, सुंदरता हमारे अंदर है, हमारे में है। गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स, गुड डीड्स, अच्छे काम, हैप्पी थॉट्स, अच्छी सोच, जिससे हमें खुशी मिलती है। दैट रिपीट देम सेल्व्स, रिपीट होता है दोहराना, वो ब्यूटी है, वो अपने आप हमारे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर दोहराई जाती है। इन योर ड्रीम्स, तुम्हारे सपनों में, इन योर वर्क, तुम्हारे काम में, जब हम अच्छा काम करते हैं, अच्छी सोच से काम करते हैं, तो सुंदरता अब हमारे अंदर स्वयं आ जाती है। एंड इन योर रेस्ट, और हमारे आराम कर, यहाँ तक कि हमारे आराम में भी। दैट्स विद पोएम। लेट्स वी डू क्वेश्चन नंबर 1। द पोएट सेज, ब्यूटी इज हर्डिंग, कैन यू हियर ब्यूटी एट ए साउंड दैट यू थिंक इज ब्यूटीफुल टू द साउंड द पोएट थिंक्स आर ब्यूटीफुल द पोएट गेट्स सैड हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर व्हाट डू यू थिंक This means, have you ever heard a song in your head long after the song was sung or played? And the chirping of birds is also beautiful. The poet says that when we hear melodies, we find it sweet, but after hearing those melodies, when we imagine about melodies that is unheard. Melodies, we find it sweeter than the original melody itself. Yes, sometime I heard long after the song was sung or played. Now question number 2. Read the first or second stanza of the poem again. Note the following phrases. Gone, growing, people working or dancing, wind shine. Rain falling, a singer chanting. These could be written as corn that is growing, people who are working or dancing. Can you rewrite the other phrases like this? Why do you think the poet used the shorter phrases? The answer is wind that is shining, rain that is falling, a singer who is chanting. The poet uses the shorter phrases to enchant. Question number 3. Find picture of beautiful things you have seen or heard of. This is supposed to be done by students themselves. And now question number 4. Write a paragraph about beauty. Use your own ideas along with the ideas in the poem. You may discuss your ideas with your partner. And the This is supposed to be done by students themselves. Have a nice day.